ठीक है, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। फिर सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग जिसको अपने इंडियन मार्केट्स में फाटका भी बोलते हैं, फाटका, शॉर्ट सेलिंग। ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये अपने आज डिसाइड करेंगे, ये देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कल थोड़ा सा हिंट दिया था, शॉर्ट सेलिंग मतलब मेरे पास कोई शेयर नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसको मार्केट में बेचना चाहता हूँ। मैं कोई शेयर का ओनर नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं उस शेयर को बेचना चाहता हूँ। किस एस्पेक्ट में, इस आशा में कि मेरे को लग रहा है कि आगे जाके ये शेयर गिरेगा। फिर मैंने एक और बात कहा था कि इस भावना को निकाल देना कि खरीद के बेचने से ही प्रॉफिट होता है, बेच के खरीदना भी एक प्रॉफिट का जरिया होता है मार्केट्स में। तो शॉर्ट सेलिंग और कुछ नहीं है, पहले बेच दिया जो शेयर लग रहा है कि आगे गिरेगा और बाद में उस शेयर को खरीद लिया, तो बेच के खरीदने को प्रॉफिट बोलते हैं। पहले खरीद के बेचना और बेच के खरीदना दोनों बराबर है, तो बराबर से देखना उसको। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए फिर मैंने बताया था कल एग्जांपल जब लिया था स्टॉक फ्यूचर्स आर्बिट्राज का, तो मैंने बोला था कि मेरे को अगर बेचना है कोई शेयर तो मेरे को किसी से उधार लेना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी वो शेयर है, तो वो मेरे को उधार देगा और उसके बदले में वो कुछ पैसा भी लेगा, उस चीज को बोलते हैं स्टॉक लेंडिंग चार्जेस। जो वो मेरे को उधार देगा तो उसके बदले में मेरे से पैसा लेगा, कुछ तो चार्ज लेगा, तो वो बोलते हैं स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, वो स्टॉक लेंडिंग चार्जेस मेरे से लेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट सेल करूंगा, शॉर्ट सेल करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा, वो पैसा मैं क्या करूंगा मार्केट में ब्याज पे लगा सकता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या, आगे जाके दाम गिरेगा, अगर आगे जाके दाम गिर गया तो मैं क्या करूंगा, वो पैसा उठाऊंगा, वापस जाके मार्केट से शेयर खरीदूंगा और उसको रिपे करूंगा। यही तरीका था। जैसे अगर मान लो कि ये इंडिविजुअल है और ये है शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर, ठीक है, ये इंडिविजुअल ट्रेड करना चाहता है, शॉर्ट सेल करना चाहता है, ये जाता है एक्सचेंज के पास और एक्सचेंज ऑब्लिक ब्रोकर को बोलता है कि मेरे को शॉर्ट सेल करना है एक पर्टिकुलर शेयर। ठीक है, मान लो ये शॉर्ट सेल करना चाहता है, स्टेप वन है मेरा कि ये शॉर्ट सेल करना चाहता है पर्टिकुलर शेयर से, आईटीसी का शेयर एट 600, 600 रुपए में ट्रेड कर रहा है और आईटीसी का ये शेयर शॉर्ट सेल करना चाहता है। ठीक है, ब्रोकर क्या बोलेगा, ब्रोकर बोलेगा ठीक है, ब्रोकर स्टेप टू कैरी ऑन करने का कोशिश करेगा। स्टेप टू क्या होगा, एक ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना जिसके पास वो शेयर हो, जो उस शेयर का ओनर हो और जो शेयर उसके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रोकर क्या करेगा, एक ऐसा इंडिविजुअल ढूंढेगा जो जिसके पास शेयर है और जो शेयर लेंड करने के लिए तैयार है। ब्रोकर इसके पास गया और ब्रोकर, ये है मेरा लेंडर, ये है मेरा स्टॉक लेंडर, ये मेरा स्टॉक लेंडर है। ब्रोकर इसके पास जाएगा और इसको बोलेगा एक बार अपना शेयर दे, मेरा शेयर चाहिए। ठीक है, ये इसको शेयर देगा, बदले में क्या बोलेगा कि मेरे को शेयर तो हम तुमको दे देगा लेकिन मेरे को क्या चाहिए, स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, फोकट में तो हम देगा नहीं, तो मेरे को स्टॉक लेंडिंग चार्जेस चाहिए। तो ये ब्रोकर, ये इसके पास जाएगा, ये इसको क्या करेगा, स्टेप थ्री में ये अपना शेयर इसको दे देगा, दे देगा ब्रोकर को। ब्रोकर स्टेप फोर में क्या करेगा, इसको ये दे देगा, इसको ये दे देगा। ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि एक्सचेंज और ब्रोकर अलग अलग है, जो कि एक्चुअल में है, ये खाली काम ब्रोकर कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये पूरा प्रोसेस इंट्राडे में होता है ना सर, ये पूरा प्रोसेस इंडियन मार्केट्स में इंट्राडे में होता है। और अगर आप वैसे बोलेंगे तो देखिए इसमें क्या हो सकता है ना कि एक इंट्राडे में तो वैसे होता है, और अगर समझ लीजिए कि ऑफ मार्केट, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके पास वो शेयर है तो मैं आपसे एक अग्रीमेंट के थ्रू शेयर ले सकता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था धीरू भाई अंबानी का और रुयाज ग्रुप का, तो वो जो था वो कोई ब्रोकर के थ्रू नहीं हुआ था, वो ऐसे हुआ था कि रुयाज अंबानी को बहुत अच्छे से जानते थे, तो रुयाज कॉल्ड अप अंबानी एंड उन लोगों ने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसमें रुयाज पेड स्टॉक लेंडिंग चार्जेस और अंबानी से उतना बड़ा लॉट का शेयर उन लोगों ने बोरो किया, लोन उधार में ले लिया। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकर डाला है क्योंकि ब्रोकर के थ्रू अपने जाते हैं, लेकिन ऑफ मार्केट में ब्रोकर के बिना थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक
ठीक है, उसने मेरे को उधार दिया, मैंने वो शेयर्स डीमैट में अपने डाल दिए, तो अब मैं डीमैट में डालने के बाद तो अपने शेयर्स बेच सकता हूँ, डीमैट में डालने के बाद तो शेयर्स मेरे हैं, तो एक्सचेंज को ये बात मतलब नहीं है, तो डीमैट में डालने के बाद मैं बेच सकता हूँ। तो शॉर्ट सेलर क्या करेगा, फिर जाएगा शेयर आने के बाद फिर जाएगा एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज के पास जाएगा और एक्सचेंज को बोलेगा कि मेरा शेयर बेच दो, डीमैट में जमा कर देगा और फिर बोलेगा मेरा शेयर बेच दो, एक्सचेंज बोलेगा ठीक है डन, हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप फाइव में ये डीमैट में जमा करेगा और अपना शेयर को बेचेगा, 600 रुपए इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर है तो ये पूरा पैसा तो विड्रॉ कर नहीं सकता है, शॉर्ट सेलर को हमेशा कुछ मार्जिन जमा देके रखना पड़ता है, वो पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता शॉर्ट सेलर। तो ये क्या करेगा कि ये एक्सचेंज क्या रखेगा, कुछ मार्जिन रख लेगा अपने पास, स्टेप सिक्स में कुछ मार्जिन रखेगा और मार्जिन रखने के बाद वो उसको बाकी का रुपया दे देगा, से 70% मार्जिन रख लिया एक्सचेंज ने, 600 का 70% एक्सचेंज ने रख लिया, बाकी जो बचे हुआ रहेगा कितना बचा, 180 रुपया इसको कैश में मिल जाएगा। ये जो कैश में इसको मिलेगा ये क्या कर सकता है, ये बैंक्स के पास जा सकता है, बैंक्स के पास जा सकता है और बैंक्स के पास इन्वेस्ट कर सकता है 180 रुपया, क्योंकि कैश में रख के क्या करेगा, अगर मान लो ये एक साल के लिए ये काम करने वाला है, एक साल के लिए शेयर बेचा है, तो ये बैंक्स के पास जाएगा और एक साल के लिए 180 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर देगा और वहां पे इंटरेस्ट कमाएगा, जिसको अपने मान लेते हैं कि इंटरेस्ट कमाएगा एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 6% या 8%, इंटरेस्ट 8% पे पैसा लगा दिया एक साल के लिए, ठीक है। ये पूरा कहानी इसने खड़ा करके रख दिया, ये इंसेप्शन का कहानी था। अब धीरे धीरे इसको वाइंड अप करना है। एक साल बाद आईटीसी का शेयर मान लो ट्रेड हो रहा है 400 रुपया में, आईटीसी का शेयर ट्रेड हो रहा है 400 रुपया में, क्या ये सही था या ये गलत था? सही था, ये सही था, 600 रुपए में बेचा था और अब दाम गिर के हो गया 400 रुपया, तो इसका मतलब ये एकदम सही एस्टिमेट किया था। अब ये क्या करेगा, पोजीशंस वाइंड अप करना चालू करेगा। सबसे पहले बैंक से 180 रुपया विथ ब्याज लेगा कि विदाउट ब्याज लेगा? विथ ब्याज लेगा। तो इसके पास स्टेप एट में सबसे पहले पैसा इकट्ठा करेगा, बैंक से लेगा 180 रुपया विथ 8% ब्याज, कितना रुपया होता है, 12.40% तो 194.4 मान लेते हैं, 194.40 रुपया बैंक से इसको मिलेगा एक साल बाद, ठीक है। एक्सचेंज में इसने क्या किया था, शेयर्स को बेचा था, ठीक है, बेचा था तो एक्सचेंज के पास इसका कितना रुपया पड़ा होगा, कितना रुपया पड़ा, 70% मतलब 600 का 420 रुपीस पड़ा है एक्सचेंज में ऑलरेडी, इसका 420 रुपीस ऑलरेडी एक्सचेंज में पड़ा है इसका, और शेयर खरीदने के लिए इसको कितने रुपए चाहिए, 400, तो 420 में से 400 रुपए का ये शेयर खरीद लेगा, खरीद लेगा और बाकी जो बचा हुआ 20 रुपया है ये विड्रॉ कर लेगा अपने अकाउंट से, तो ये 20 रुपया लेगा एक्सचेंज से, 20 रुपया कलेक्ट करेगा और साथ साथ एक शेयर भी लेगा, साथ साथ एक शेयर भी लेगा, ठीक है। तो इसको मिलेगा एक्सचेंज से, इसको मिलेगा एक्सचेंज से, एक सेकंड, इसको जमा कुछ नहीं देना पड़ा, इसको एक्सचेंज से मिलेगा, स्टेप एट में 20 रुपीस प्लस 1 शेयर, एक शेयर भी मिलेगा, 20 रुपया मिला, शेयर मिला, एक्सचेंज के साथ इसका हिसाब किताब खत्म हो गया, ठीक है, स्टेप एट हो गया। स्टेप नाइन में क्या करेगा, इसको शेयर अब रिटर्न करना है इस आदमी को, तो ये किसके थ्रू जाएगा, ब्रोकर के थ्रू जाएगा। तो ये क्या करेगा कि ब्रोकर को बोलेगा कि ठीक है मेरा ये काम हो गया, अब आप एक काम कीजिए, ये शेयर हम आपको वापस दे रहे हैं, 1 शेयर प्लस स्टॉक लैंडिंग चार्जेस भी देगा, और स्टॉक लैंडिंग चार्जेस अगर हम मानते हैं कि 10% था, हम मानते हैं कि स्टॉक लैंडिंग चार्जेस जो है वो 10% था, तो 10% मतलब 60 रुपया इसको देना पड़ेगा, ठीक है, और ये एज इट इज ये किसको दे देगा, 1 शेयर और ब्रोकर किसको देगा, स्टेप 8 था मेरा, ये स्टेप 9 था, और ये स्टेप 10 में ब्रोकर किसको देगा, इसको वापस कर देगा, क्या वापस करेगा, 1 शेयर प्लस रुपीज
60, इसको वापस कर देगा स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, तो इसको मिल गया वापस, इसका हिसाब किताब क्लियर हो गया, इसको एक शेयर मिल गया, स्टॉक लेंडिंग चार्जेस मिल गया, ब्रोकर का हिसाब किताब खत्म हो गया। ब्रोकर का फायदा क्या हुआ? ब्रोकर कुछ बीच में मार्जिन काटता है, मतलब ये 60 पूरा का पूरा पास ऑन नहीं होता है, ब्रोकरेज मिलेगा ही उसको, अपडेट कर रहा है। हां ब्रोकरेज तो मिल ही रहा है उसको, और साथ-साथ में इसमें भी कुछ रखता होगा, लेकिन उसमें अपने नहीं जा रहे, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ब्रोकर का हिसाब किताब खत्म, इसका हिसाब किताब खत्म, इसका हिसाब किताब खत्म, इसका हिसाब किताब खत्म। अब लास्ट में देखते हैं ये आदमी प्रॉफिट किया या लॉस किया। ये आदमी के पास पैसा कहां कहां से आएगा, यहां से कितना रुपया आया 194.40, ठीक है, और यहां से नेट में कितना रुपया आया 20, और कुछ रुपया है नहीं इसके पास, सब खत्म हो गया, बचा कितना इसके पास 214.40, इतना रुपया इसका प्रॉफिट का, क्लियर कट। 60 जो दिए वो माइनस नहीं करेंगे? और यही लॉस का सिचुएशन बन जाता अगर ये 800 होता तो, क्योंकि 800 रुपया जब होता तो इसके अकाउंट में 420 होता, और शेयर खरीदने के लिए इसको ये रुपया प्लस घर से रुपया और लगाना पड़ता, और स्टॉक लेंडिंग चार्जेस भी चुकाना पड़ता, तो इसको लॉस हो जाता। मतलब तो ये टोटली अजम्पशन पे है कि रुपया घटेगा, मतलब वो इसका शेयर का दाम ऑब्वियसली वो ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड करने के लिए वो एक अजम्पशन ले रहा है कि उसको लग रहा है एक साल बाद दाम गिर जाएगा, इसी बेसिस पे वो ट्रेड कर रहा है। तो इस बीच में सोचिए जो स्टॉक लेंड कर रहा है उसके पास एक ही शेयर था, तो लेंड करने के बाद वो तो बेच नहीं सकता ना? नहीं, लेंड करने का तो बेच नहीं सकता, उस चीज के लिए अपने बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। अग्रीमेंट में लिखा जाता है कि लेंडर जब चाहे तब वो अपना शेयर वापस मांग सकता है, जब चाहे तब मांग सकता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। अगर लेंडर अपना वो मांग ले तो उसको क्यों मिलेगा ये सब? फिर उसको इतना मिलेगा, फिर उसको स्टॉक लेंडिंग चार्जेस नहीं मिलेगा, उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि प्रोराटा मिलेगा या जो भी मिलेगा, मतलब कट के मिलेगा जो मिलेगा। और दूसरा चीज कि स्टॉक लेंड इसलिए नहीं होता है ना ये वाला सिचुएशन, क्योंकि मान लो कि ये लेंडर जो है ये लेंडर वापस लेना चाहता है अपना शेयर, लेकिन ब्रोकर के पास तो एक कस्टमर नहीं होता है, ब्रोकर के पास तो हजारों कस्टमर होते हैं, हजारों में से 100 के पास आईटीसी होगा, तो एक को एक अगर लेना भी चाहेगा तो ब्रोकर क्या बोलेगा कि ठीक है तुम ले ले, तुमसे हम शेयर उधार लेते हैं तुमको दे देता है। मतलब ब्रोकर के पास बहुत सारे लोग हैं, एक ब्रोकर जैसे मान लो आदित्य बिरला ग्रुप, वो एक ब्रोकर है, उस ब्रोकर एक आदित्य बिरला ग्रुप के पास लाखों कस्टमर से जो ट्रेड करते हैं, लाखों में से हजारों के पास आईटीसी होगा, हजारों में से कौन नहीं, बहुत जन होंगे जिन जो ये स्टॉक लेंडिंग चार्जेस कमाना चाहेंगे, और जिनको पता है कि हम 10 साल तक रखने वाले आईटीसी, तो आने वाले एक साल में हम बेचेंगे नहीं आईटीसी, तो उसको क्या जा रहा है, उसको पता है कि दाम अगर 600 का 800 जाए या 600 का 400 जाए वो आईटीसी नहीं बेचेगा, होल्ड करेगा, ठीक है होल्ड करेगा, तो उसको ब्याज से ज्यादा तो एनी डे हम स्टॉक लेंडिंग चार्जेस दे ही रहे हैं, और उसको शेयर रखने का भी और शेयर का सारा प्रॉफिट मिल रहा है उसको, तो उसके क्या फर्क पड़ता है, वो बोल रहा है स्टॉक लेंडिंग चार्जेस कमाएंगे मेरे को तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए ब्रोकर के पास ऐसा बहुत लोग रहता है। तो ये सिचुएशन अराइज बहुत रेयरली होता है शॉर्ट स्क्वीज वाला, लेकिन अगर हो गया तो ये क्लियर कट अग्रीमेंट में है कि वो जब चाहे तब अपना शेयर वापस ले सकता है, इसको लॉस में भी काट के देना पड़ेगा शॉर्ट सेलर को, क्योंकि ये ओनर नहीं है ना एसेट का। आज मान लो ये प्रॉपर्टी मैं रेंट पे लेता हूँ, ठीक है, ओनर को बहुत अर्जेंट दरकार पड़ गया, तो ऐसे तो बोलते हैं अपने कि भाई मतलब कि नहीं ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन जगह तो खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि ओनर वो है, ओनर मैं नहीं हूँ, तो वो चीज़ होगा लेकिन वो करना पड़ेगा। हो सकता है नोटिस पीरियड का हो कि 15 दिन पहले नोटिस देगा, वो सब वगैरह वगैरह वो सब फंडा रहेगा, लेकिन होता है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ पूरा स्टेप बाई स्टेप। तो अपने क्या कर रहे हैं अभी एक बार हम उधार लिया वैसे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट भी होगा, आर्बिट्राज में प्रॉफिट ही होगा, आर्बिट्राज का अगर स्कोप मिला तो प्रॉफिट ही होगा, इसीलिए उसको आर्बिट्राज बोलते हैं, नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट बट प्रॉफिट। यहाँ पे रिस्क भी है इन्वेस्टमेंट भी है, अभी ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मान लो कि ये शेयर बढ़ जाता है तो इसको अपना घर से पैसा लगा के भी उसको करना पड़ेगा, तो रिस्क भी है इन्वेस्टमेंट भी है और प्रॉफिट भी है और लॉस भी है इसमें, लेकिन उसमें नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट बट प्रॉफिट, तो आर्बिट्राज है और ये ट्रेडिंग है ये, ठीक है।
एक काम करते हैं अपने शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे अपने सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग के लिए ये डायग्राम बना लो। इसमें आप लोग ये सब लिखना मत, खाली स्टेप्स लिख देना, नंबर स्टेप्स नंबर लिख देना, क्योंकि स्टेप्स हम लिखवा देगा कि कैसे होता है। खाली स्टेप नंबर लिख लो, कौन सा वन है कौन सा टू है, बाकी हम लिखवा देंगे। तो एक बार स्टेप्स लिखते हैं, नीचे लिखना डायग्राम के, लेट अस अज्यूम दैट अ स्टॉक सेलर wants to short sell stock in the market of ITC trading at rupee 600 for one year. Since he is a short seller, it is obvious that he is expecting that after one year. ITC would be trading below 600. That is, price of ITC is expected to fall. Let us understand the steps he will have to undertake
to complete the process of short selling. नंबर वन स्टेप वन और स्टेप वाइज लिखा स्टेप वन शॉर्ट सेलर अप्रोचेस ब्रोकर टू लैंड हिम टू और टू अरेंज फॉर अ लेंडर फर्स्ट टू अरेंज फॉर अ लेंडर ठीक है. स्टेप टू ब्रोकर अप्रोचेस स्टॉक लेंडर and ask for one share of ITC. Step three. Lender lends ITC stock with an agreement that he will get the stock after one year along with stock lending charges of 10%. Step four. Broker transfers the borrowed share in the demat account of short seller. In the account of short seller. Step five. Short seller approaches exchange, and asks exchange to sell the borrowed share at ₹600. Ask exchange to sell the borrowed share at rupees 600. Step 6. Exchange sells share at 600 and after retaining margin money of 70%, bracket rupees 420, gives cash of rupees 180 to short seller. Step 7. Short seller approaches bank and invest ₹180 for 1 year at 8% per annum. ये हो गया step 7 तक. अब लिखना after 1 year. ये तो initiate हो गया contract.
अब स्टेप्स, वो स्टेप्स जो कंप्लीट करेंगे मतलब वाइंड अप करने के लिए आफ्टर वन ईयर क्या क्या होगा. आफ्टर वन ईयर आईटीसी शेयर प्राइस फॉल्स टू रुपीज 400. आफ्टर वन ईयर आईटीसी शेयर प्राइस फॉल्स टू रुपीज 400. हेंस शॉर्ट सेलर इज, शॉर्ट सेलर वॉज करेक्ट. हेंस शॉर्ट सेलर वॉज करेक्ट. शॉर्ट सेलर वॉज करेक्ट. ठीक है, अब इसके नीचे लिखना स्टेप एट. स्टेप एट, स्टेप एट, शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर विल कलेक्ट इट्स डिपॉजिट इन बैंक, विल कलेक्ट इट्स डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक विद 8% इंटरेस्ट, विद 8% इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 194.40, अमाउंटिंग टू रुपीज 194.40. स्टेप स्टेप एट एट हो गया अभी नहीं हो, वो वहाँ पे आठ दो बार लिखा हुआ, आठ दो बार लिखा हुआ ना, ये नाइन होगा, ये फिर टेन होगा और ये इलेवन होगा. तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना डायग्राम में, ये नाइन होगा, ये वाला नाइन होगा, फिर आठ दो बार लिख देना, ये वाला नाइन होगा, ये वाला टेन होगा और ये इलेवन होगा. दोनों एट होगा, दोनों एट नहीं होगा, वो नाइन होगा, ये नाइन होगा, ये टेन होगा और ये इलेवन होगा. ठीक है, स्टेप एट में पैसा कलेक्ट हो गया. स्टेप नाइन, स्टेप नाइन, शॉर्ट सेलर अप्रोचेज एक्सचेंज, शॉर्ट सेलर अप्रोचेज एक्सचेंज, एक्सचेंज एंड आस्क फॉर बाइंग वन शेयर ऑफ आईटीसी, आस्क फॉर बाइंग वन शेयर ऑफ आईटीसी एट रुपीज 400, एट रुपीज 400 so as to cover his short sell position, so as to cover his short sell position. Since margin money of rupees 420 is already with exchange, since margin money of rupees 420 is already with exchange, already with exchange, rupees 400 is utilized to buy a share, rupees 400 is utilized to buy the share, utilized to buy the share, and balance rupees 20, and balance rupees 20 is withdrawn, balance rupees 20 is withdrawn, thereby short seller getting, thereby short seller getting one share plus rupee 20, one share plus rupee 20. रुपी 20, ठीक है. नंबर 10, स्टेप 10, शॉर्ट सेलर रीपेज ब्रोकर विथ वन शेयर एंड रुपीज 60 ब्रैकेट 600 into 10% ऑफ स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, ऑफ स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, स्टॉक लेंडिंग चार्जेस. ठीक है, स्टेप 11, ब्रोकर ट्रांसफर वन शेयर प्लस रुपीज 60
टू द अकाउंट ऑफ स्टॉक लेंडर. ब्रोकर ट्रांसफर वन शेयर प्लस रुपीज 60 टू द अकाउंट ऑफ स्टॉक लेंडर. ठीक है, अब नीचे देयर फॉर फाइनल प्रॉफिट कैश में लिखना, देयर फॉर फाइनल प्रॉफिट ऑफ शॉर्ट सेलर, फाइनल प्रॉफिट ऑफ शॉर्ट सेलर, फाइनल प्रॉफिट ऑफ शॉर्ट सेलर इक्वल्स टू 194.40 प्लस 20 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 154.40. ठीक है, ये हो गया स्टेप्स ऑफ शॉर्ट सेलिंग, एक पूरा स्टेप्स हो गया. अब एक दो चीज आप लोगों को खाली बता देना है हमको. पहला, शॉर्ट सेलिंग के लिए एक चीज याद रखिएगा, शॉर्ट स्क्वीज बता दिया कि जब चाहे तब ये वापस कर सकते हैं. दूसरा चीज, अगर इस दौरान अग्रीमेंट में ये भी रहता है कि अगर इस दौरान कभी भी ये शेयर आईटीसी का शेयर कोई भी डिविडेंड देता है तो वो डिविडेंड के लिए इसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये बोरोड शेयर है. अब ये तो शेयर बोरो उधार में दे दिया और ये शेयर बेच दिया है, तो आईटीसी वाला इस शेयर पे तो डिविडेंड देगा नहीं, तो ये डिविडेंड जो है, ये डिविडेंड तो इसका हक था, इसको मिलता अगर ये डिविडेंड दिया जाता. तो शॉर्ट सेलर ये अंडरटेक करता है कि अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलता या आपका डिविडेंड का लॉस होता है तो वो डिविडेंड का कंपेंसेशन हम देंगे आपको, वो शॉर्ट सेलर देना पड़ेगा शॉर्ट सेलर को. तो अगर कोई भी डिविडेंड आईटीसी देता है इस दौरान में तो वो शॉर्ट सेलर को डिविडेंड देना पड़ेगा. ठीक है, दूसरा शॉर्ट स्क्वीज का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया. शॉर्ट सेलर का रिस्क ज्यादा है, आर्बिट्राज का ऐसा कुछ नहीं है. शॉर्ट सेलर का बहुत सारा रिस्क है, बहुत सारा रिस्क है शॉर्ट सेलर का, इसीलिए तो रिस्क शॉर्ट सेलिंग में रिस्क है, खरीदने में रिस्क कम रहता है. स्पेकुलेशन ही है एक तरह का, ये तो पूरे शॉर्ट पूरे स्पेकुलेशन है ये तो. हां, तो दो खाली पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट बना के मतलब ऐसे लिख दीजिए, नोट बना के लिख दीजिए, नोट नोट बना के लिख दीजिए. नंबर वन, एज पर द अग्रीमेंट अ स्टॉक लेंडर ऑब्लिक ब्रोकर कैन आस्क फॉर द लेंडेड शेयर इन केस ऑफ नीड एंड borrower is bound to repay the share. This is called short squeeze, SQUEEZE. This is called short squeeze, SQUEEZE, short squeeze. Okay. Point number two. If during the period of short selling, ITC pays any dividend. Then borrower is liable to compensate with the amount of dividend to lender. ठीक है, हो गया. अब खाली नीचे लिखना इसमें, इतना आप लोगों ने समझ लिया तो एक बार जिस्ट में खाली पूछ रहा है, एक शॉर्ट सेलर का सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होगा. शॉर्ट सेलर का सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से शॉर्ट सेलर को पैसा आएगा. बैंक वाला मतलब इंटरेस्ट इनकम पहला तो हो गया, इंटरेस्ट इनकम. ठीक है, एक्सचेंज का प्रॉफिट है, प्राइस डिफरेंस या प्रॉफिट.
फ्रॉम स्पेकुलेशन, ठीक है, और उसका सोर्सेज ऑफ लॉस क्या क्या है? स्टॉक लैंडिंग चार्ज, हाँ स्टॉक लैंडिंग चार्ज उसका खर्चा है, डिविडेंड चार्ज, डिविडेंड उसका खर्चा है, और क्या खर्चा है उसका, खर्चा या नुकसान का सोर्सेज ऑफ लॉस है, जरूरी नहीं खर्चा, अगर प्राइस बढ़ गया, हाँ ठीक है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, और कहाँ से लॉस हो सकता है, पॉसिबल लॉस कहीं से भी हो सकता है, शॉर्ट स्क्वीज, अगर शॉर्ट स्क्वीज हो गया तो लॉस हो जाएगा, शॉर्ट स्क्वीज ये उसका पॉसिबल लॉस है, तो ये खाली एक बार लिख लो, सोर्सेज ऑफ इनकम और राइट साइड में सोर्सेज ऑफ लॉस, सोर्सेज ऑफ इनकम या प्रॉफिट लिख दो, सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट, सोर्सेज ऑफ लॉस, और दूसरे साइड में लिखना ऑपोजिट में सोर्सेज ऑफ लॉस, ठीक है, और ये पॉइंट्स लिख लो, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम एक सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, सोर्सेज ऑफ लॉस क्या है, स्टॉक लेंडिंग चार्ज, स्टॉक लेंडिंग चार्ज, डिविडेंड, डिविडेंड, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन और शॉर्ट स्क्वीज, लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन और शॉर्ट स्क्वीज, जैसे ये उसको लैंड किया ब्रोकर के थ्रू किया, तो ये एक्सचेंज को थोड़ी ना पता कि लैंड कर गया या नहीं, वो अपना दे देगा वो डिविडेंड, वो बताता है, जनरली क्या होता है कि ये ब्रोकर एक्सचेंज होता है ना, ये अकाउंटिंग किया जाता है, देखो पहले तो एक्सचेंज पे ये जो अपना एक्सचेंज है उस एक्सचेंज पे एक दिन का ही अलाउड है, ये फॉरन का कॉन्सेप्ट है, मतलब यूएस वगैरह में अलाउड होगा, उन मार्केट्स का उतना आइडिया नहीं है, अपने एक्सचेंज पे शॉर्ट सेलिंग ऐसे एक दिन का अलाउड है, अगर तुमको लेना है तो तुमको प्राइवेटली अरेंज करना पड़ेगा, मान लो कि तुम्हारे पास शेयर है, ठीक है, और मेरे को वो शेयर चाहिए, तो हम तुमको बोल दिया कि तुम मेरे को उधार दे दे, और तुम मेरे को जानती है अच्छे से तो तुम मेरे को उधार दे दे, तो अग्रीमेंट साइन हुआ अपने दोनों के बीच में, स्टॉक लेंडिंग चार्जेस हम तुमको देगा, डिविडेंड वगैरह हमको तुमको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो जैसे हम आपको जानते हैं हम दे दिए जो भी हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ वो, तो फिर एक्सचेंज को पता चलेगा ही नहीं, हां वो एक्सचेंज को नहीं पता चलेगा, तब फिर हम जमा दिया आपको नहीं, डिविडेंड कैसे मिलेगा, आप तुम मेरे को दी, ठीक है, तो तुमको डीमैट, हर जो शेयर होता है हर शेयर का एक नंबर होता है, उसको शेयर नंबर बोलते हैं, वो शेयर का नंबर के अकाउंट से लिंक होता है डीमैट अकाउंट, जब तुम मेरे को शेयर देगी तो तुमको ये अपने डीमैट से शेयर मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो नंबर तुम्हारे पास रहेगा नहीं, और वो नंबर हम तो बेच चुका होगा मार्केट में, तो वो किसी और के पास होगा, तो वो उसको डिविडेंड मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, तो आपका लॉस होगा और वो डिविडेंड हमको देना पड़ेगा, कोई भी डिविडेंड का अगर हो लॉस ही होगा, वो होगा ही, और दूसरा एक खाली आप बोल सकते हैं कि मार्जिन मनी पे, कि मेरा पैसा है तो मार्जिन क्यों रखेगा एक्सचेंज, तो अगर आप ऑफ करते हैं मतलब वैसे करते हैं तब तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अगर हम प्राइवेटली अरेंज कर लेते हैं तब कोई मार्जिन का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम प्राइवेटली नहीं अरेंज करके ब्रोकर के थ्रू करता है तो हमको मार्जिन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन केस की बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो लॉस के लिए हेज करके रखना पड़ेगा, सोचिए अगर ये उल्टा हो जाता तो अगर प्राइस 800 हो जाता हाँ तो इसको घर से देना पड़ता, नहीं अगर उसमें रिस्क रहता ना, अगर ये बोलता है कि मेरा लॉस हो रहा है मार्जिन में तो 420 रुपीज ही है, तो उस केस में कौन लॉस कौन बियर करता, अगर वो बाय नहीं करता, नहीं हम बताते हैं अगर ये 800 हो जाएगा ना, देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट है, मार्जिन मनी इसलिए तो एक्सचेंज में रखता है, एक्सचेंज या ब्रोकर ने मार्जिन मनी रखता है, 800 रुपया हो गया, 200 का लॉस हो गया, अभी भी आपके अकाउंट में 420 माइनस 200 कर दो, कितना रुपया बचा मेरे पास, 220 रुपया अभी भी पड़ा है आपका, 200 का लॉस, खरीदना पड़ेगा, उतना पैसा तो है नहीं मार्जिन में, अपना मनी डाला होगा, फिर ये रिस्क हो जाएगा ब्रोकर का,
ब्रोकर का रिस्क हो जाएगा, ब्रोकर स्टॉक लेंथ को वापस नहीं दे पाएगा। हाँ, या तो फिर हो सकता है कि इसका और कोई शेयर पड़ा हो, डिमैट में शेयर्स पड़े हैं लेकिन ये दूसरा शेयर बेचना चाहता है, तो वो शेयर मेरे पास एज ए सिक्योरिटी है कि इन केस कि अगर आपका पैसा इतना डाउन होता है तो फिर हम ये शेयर बेच के आपका पैसा लेके उस शेयर को खरीद लेंगे, वैसा कुछ एग्रीमेंट होगा। मतलब कुछ तो कोलैटरल रखता ही होगा ये, और या फिर ट्रस्ट बेसिस पे होगा। तो शॉर्ट सेलर आम आदमी तो करता नहीं है, करते तो बड़े बड़े बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते होंगे, उन लोगों का तो ट्रस्ट बेसिस पे काम चलता ही है उन लोगों का, और बाकी कुछ रखना होता होगा तो लोगों का सिक्योरिटीज रखता होगा। ब्रोकर अपना कुछ शेयर नहीं रख सकता ना, ब्रोकर खुद इन्वेस्ट कर सकता है, कर सकता है, लेकिन अकाउंट सेपरेट मेंटेन, दो अकाउंट होता है, एक प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है एक्सचेंज का नियम के हिसाब से, और एक सेटलमेंट अकाउंट क्या कुछ वैसे होता है। एक ब्रोकर, उस नाम को याद नहीं आ रहा है, लेकिन दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ब्रोकर को, अगर ब्रोकर जैसे आदित्य बिरला को अगर खुद ट्रेड करना है, एक होगा उसका वो प्रोप्राइटरी अकाउंट, प्रोप्राइटरी मतलब उसमें वो खुद का ट्रेडिंग का अलग शेयर्स रखेगा, और एक होगा उसका मेन वो बिजनेस अकाउंट या जो भी बोल रहे, तो उसमें से वो जो पब्लिक के लिए ट्रेड कर रहा है वो अकाउंट अलग होगा और ये अकाउंट अलग होगा, और प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए और एक्सचेंज को पूरी तरह से रिपोर्टेड होना चाहिए, चीज कर सकता है लेकिन ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, ये लिख लिया अपने लोगों ने। ठीक है, एक सम अपने कर लेते हैं, फिर शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। एक सम अपने कर लेते हैं, मिस्टर जेड बिलीव्स दैट स्टॉक ऑफ Microsoft trading at $1,200 is expected to fall trading at $1,200 is expected to fall and hence wants to short sell the stock. He approaches broker who has stock lending charges of 15%, stock lending charges of 15%, and margin money of 75%, margin money of 75%, interest rate in market is 4% per annum, interest rate in market is 4% per annum, during the year Microsoft paid a dividend of $60. After one year, Microsoft is trading at case one. $1,000. ठीक है, case two $1,200, case three $1,500. जो 1000 किया है ना उसको एक काम करो 800 कर दो, प्रॉफिट नहीं आएगा 800 का। ठीक है, ये वाला सम अपने को सॉल्व करना है। आप लोग अलग अलग मत बनाइएगा केसेस को, मतलब जैसे एक ही बार में बना दीजिएगा, जैसे ये हो गया मेरा पार्टिकुलर्स, ये हो गया मेरा केस वन, case 2, case 3, ठीक है।
जो भी इनकम के सोर्सेज है ना, पहले उसको लिख देते हैं, इनकम, इनकम के सोर्सेज उनको पहले लिख देते हैं। तो इनकम में सबसे पहला मेरा सोर्स होगा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम हम कितना कमाया होगा, ये कैलकुलेट कीजिए, इंटरेस्ट इनकम हम कितना कमाया होगा। मार्जिन मनी अपने पास रखते हो लोग, मार्जिन मनी एक्सचेंज अपने पास रखते हो। तो जो बचा मतलब 1200 में 75% मार्जिन मनी, 900 मार्जिन मनी, 300 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट लेंगे, 300 के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, 300 के 4% होगा ना। हां 300 के 4% तो 300 ये तो तीनों के लिए होगा। मैं ये पार्टिकुलर्स लिख दे रहा हूँ, आप लोग ये लिख दीजिए, आप लोगों को ये फिल करना है। और एक लॉस का सोर्स कर लो, स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, शॉर्ट स्क्वीज है नहीं, स्पेशल होगा नहीं, स्टॉक लेंडिंग चार्जेस। पार्टिकुलर्स आपको लिख लीजिए, उसके बाद आप फिल कर दीजिए। केस वन में प्रॉफिट, बाकी दो केस में लॉस। और मेरे को नंबर्स बता दीजिए, इंटरेस्ट इनकम क्या होगा, 12 इंटरेस्ट इनकम निकलेगा कैसे, ये आपका 1200 का 75% तो रिटेन कर लिया, हाँ मतलब 25% ही बचा प्रैक्टिकली, और उसमें मेरे को कमाई हुआ 4%। 4% कितना अमाउंट, 12 नहीं अगर टोटल 312 रहेगा, हाँ 300 × 4% 12 रुपया, $12 ये भी होगा आपका सेम होगा, सेम ही होगा तीनों जगह पर, 12 प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन इन दोनों में तो है ही नहीं, है नहीं इसमें है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन, 1200 का 800 हो गया, 800 हो गया तो मेरे को 400 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मेरा टोटल इनकम का कितना हुआ, 412, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12। अब लॉस करते हैं डिविडेंड, $60 का डिविडेंड का लॉस है, तीनों में ही होगा लॉस ऑन स्पेकुलेशन, इसमें नहीं है, सेकंड में नहीं है, ठीक है 1200, थर्ड में है, कितना 1500 हो गया, तो 300 रुपया लॉस है। सेकंड में क्यों नहीं, सेकंड में 1200 रुपया का बेचे थे और 1200 ही दाम है,
तो ना प्रॉफिट हुआ स्पेकुलेशन पे ना लॉस हुआ स्पेकुलेशन पे। हम लोग को शेयर तो खरीदना होगा ना। हाँ तो शेयर 1200 रुपये में ही थे ना, 1200 में बेचे थे, 1200 में खरीदे। कुछ मनी हम लोग ले लिए थे, ओ वो तो तीन सौ ब्याज के साथ कोई आ गया था, 1200 का कोई हुआ। स्टॉक लेंडिंग चार्जेस किसमें है? 15% ऑफ 1200 ये होगा 180 किलो में सुन जाएगा। टोटल बताइए 240 ओके। और यहाँ पे फिर ए माइनस भी बता 172 प्रॉफिट, 172 का प्रॉफिट है। यहाँ पे लॉस है मेरे को 228 का, और यहाँ पे लॉस है मेरे को 528। ये है फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फिर बढ़िया है। तो शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट